What is self-inquiry? How to inquire the self? Can the nature of self be described? सेल्फ इंक्वायरी किसी तरह की पूछताछ नहीं है। सेल्फ इंक्वायरी में कुछ भी इंक्वायर करने के लिए नहीं है। सेल्फ इंक्वायरी में कोई प्रश्न है ही नहीं। सेल्फ इंक्वायरी प्रश्नों का प्रश्न है। वो आम कौतूहल नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है जान लें, ये देख लिया, वो कर लिया। नहीं, ऐसी नहीं है सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी का अर्थ इतना ही है कि सूक्ष्म रूप से मौजूद हैं और जो पूरा प्रपंच चल रहा है उसके कर्ता को देख रहे हैं, उस प्रपंच करने वाले को देख रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि एक बिल्कुल ही उद्यमी लड़का है, और वो खूब तोड़ फोड़ कर रहा है। एक मैदान में है, गेंद फेंक रहा है, पेड़ पौधे पत्ते इन सबको नष्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। एक तरीका ये हो सकता है उसको देखने का कि आपने ये देखा कि वो क्या क्या कर रहा है। आप देख रहे हो कि अच्छा अभी दाएं गया था, बाएं अभी ये और वो और ऐसे और ऐसे, और आप दुनिया भर की और चीजें गिन रहे हो। आप गिन रहे हो कि ये जो कुछ कर रहा है उसे मेरा कितना नुकसान हो रहा है। आप विधियां खोज रहे हो कि इसको कैसे काबू में लाना है। आप याद करने की कोशिश कर रहे हो कि और लोग इसको कैसे काबू में लेकर के आए थे। और एक दूसरा तरीका ही हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं देख रहे कि क्या चल रहा है, आप बस ये देख रहे हो कि ये बच्चा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, वो किन वस्तुओं से संबंधित है, आपकी उस पर कोई नजर नहीं है क्योंकि उन वस्तुओं से बच्चा ही संबंधित है ना। आपकी नजर मात्र उस बच्चे पर है। और आप उसको देखते हुए कहीं नहीं जा रहे हो स्मृतियों में ये पता करने कि इसने कल क्या किया था और दूसरे लोगों के साथ इसका क्या व्यवहार था और पिछले मौके पर इसे कैसे बांधा गया था। आपकी बिल्कुल ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप बस उस बच्चे को ध्यान से देख रहे हो, उस कर्ता को। कर हो रहा है, बिल्कुल उपद्रव चल रहा है, प्रपंच चल रहा है। प्रपंच करने वाला कौन है? बच्चा। आप उस बच्चे भर को ध्यान से देख रहे हो। ये सेल्फ इंक्वायरी है। आप नहीं कोई सवाल पूछ रहे, कोई सवाल नहीं पूछ रहे, बस कर्ता पर आपकी नजर है। जो करने वाला है उस पर पैनी नजर है। अच्छा ये कर, और याद रखिएगा पैनी नजर से मतलब मैं किसी सावधानी की बात नहीं कर रहा हूँ। पैनी नजर से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोच के बैठे हो कि किसी स्थिति में आके इसे रोकना है। पैनी नजर से मतलब है कि साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि कर रहा है बच्चा और कैसी कैसी इसकी गति है, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। बस कर्ता पर नजर है, करने वाला। अच्छा ये ठीक मतलब करता कौन है?
हमेशा ही वो बच्चा कौन होता है, हमेशा ही वो बच्चा कौन है, कौन है, कौन है वो जो उपद्रव कर रहा है, पौधे उखाड़ रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है, रूठा हुआ है, पांव पटक रहा है, वो कौन है? मन है ना। तो उसी मन पर गहरी नजर, मन के किसी क्रियाकलाप पर नहीं, बस कि करने वाला कौन है, करने वाला तो यही है ना। और इसमें कोई शिकायत का भाव भी नहीं है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, मन जैसा है वैसा ही करेगा। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं कह रहा हूँ कि पैनी नजर, तो उसमें किसी तरह की कोई सावधानी या किसी निरोध का भाव नहीं है कि रोक देना है इसको। मन तो जैसा हो गया है वैसा वो व्यवहार करेगा ही, मन तो जैसा हो गया है वैसा वो व्यवहार करेगा ही। उसको बाधित नहीं करना है, बस उसके प्रति जगे रहना है, यही सेल्फ इंक्वायरी है। पैनी नजर मतलब उसकी कोई भी हरकत, उसका होना छूट न जाए। उसको भी आप एक तरह की संवेदनशीलता कह सकते हैं, उसको भी आप एक तरह की संवेदनशीलता कह सकते हैं कि वो जरा हिले और ऐसा ना हो कि दृष्टि से ओझल हो जाए, ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ ध्यान चला जाए कि अरे अभी अभी इसने पत्थर खींच के मारा, पत्थर कहाँ जाके गिरा, नहीं फर्क नहीं पड़ता पत्थर कहाँ जाके गिरा, जो पत्थर फेंकने वाला है आप उसके प्रति सजग रहें, उसके हाथ में क्या वस्तुएं हैं, वो दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, छोड़िए। सेल्फ इंक्वायरी का अर्थ है मैं उस कर्ता को जान रहा हूं, उसके साथ बना हुआ हूं। छोड़ते आप उसे तभी हैं, जैसा मैंने कहा, जब आपके लिए विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बच्चे के हाथ में क्या है, बच्चे का कल कैसा था, बच्चा आगे क्या कर सकता है, और बच्चे क्या करते हैं, दुनिया के दूसरे बच्चे इस बच्चे को किस दृष्टि से देखते हैं, जब ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण होने लग जाता है तो जो केंद्रीय बात है उससे नज़र हट जाती है। और केंद्रीय बात हमेशा यही है कि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो करने वाला, तो जो कुछ भी बोलूँ करने वाला तो ये बच्चा ही है। और जैसा ये बच्चा है, जैसी इसने अपनी आदत, अपने संस्कार डाल लिए हैं, तो ये वो करके ही रहेगा जो ये कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसके कर्मों की व्याख्या करने से, विवेचना करने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब ये मशीन है। जब तक मशीन है तब तक वो सब कुछ वो करेगी जो मशीन को करना है। अब तो ये संस्कारित है, अब तो ये अपने संस्कारों के अनुरूप ही चलेगा। तो इसीलिए ये कर्म क्या कर रहा है उस पर क्या ध्यान देना, क्या सोचना कि इस बच्चे ने गाली दे दी, बच्चा आया और उसने गाली दे दी, गाली पे क्यों ध्यान दिया जाए? क्योंकि बच्चा जैसा हो गया है तो वो गाली देगा ही। अब क्या गाली पे ध्यान देना, ध्यान तो बच्चे पर दो ना, वो ऐसा हो गया है। पर हमारे साथ क्या होगा, बच्चे ने गाली दे दी तो ध्यान किस पर जाएगा, गाली पर। ये बात बिल्कुल नजर से हट जाएगी कि इससे तो गाली निकलनी ही थी, इसमें कौन सी अचरज की घटना हो गई। कर्ता भूल जाएगा, हमको कर्म दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सेल्फ इंक्वायरी का अर्थ है कि छोड़ो, प्रपंच को छोड़ो, जो प्रपंच कर रहा है बस बिल्कुल उसको जान लो। तो सेल्फ इंक्वायरी से बिहेवियर के ऊपर बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, सेल्फ इंक्वायरी बहुत आगे की बात है। यहाँ पर चेंज वगैरह करने का कोई प्रलोभन नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा अभी मांगा जा रहा कि कुछ बदल जाए। बदलने से पहले जानना होता है, आप कुछ बदल सको उसके लिए आवश्यक है कि पहले आप उसको जानो। जरा सी चीज भी आपको बदलनी हो तो पहले उसको आपको जानना पड़ेगा।
इस पंखे को भी अगर आपको बदलना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि पंखा क्या चीज होती है। तो जानना है, पहले जानना है। सारे कारण बच्चे के मन में हैं। बच्चे को जो देख रहा है उसके पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि देखिए कारणों के भी कारण होते हैं। कारण पूरी तरह से यांत्रिक होते हैं। आप जिसको कह रहे हो कारण है, उसके पीछे एक और कारण है, तो फिर वो कारण कहाँ हुआ? कारण तो तभी कहा जा सकता है कि जब वो प्रथम कारण हो, मूल कारण हो, अन्यथा कारण कहना धोखे की बात है। मुकुल जी ने कुछ करा क्यों नहीं? मुकुल जी ने कारण बता दिया, पर उसके पीछे तो एक और कारण है। तो फिर आप कहेंगे नहीं, असली कारण तो वो था, पर उसके पीछे एक और है। तो कारणों में कुछ रखा नहीं है। मूल कारण क्या है? मूल कारण है मुकुल जी का मुकुल जी होना। जब तक मुकुल जी हैं, वो करते ही रहेंगे जो वो कर रहे हैं। कारण वारण छोड़ो, कारणों की तो बड़ी अनंत श्रृंखला मिलेगी। समय की शुरुआत तक जाना पड़ेगा, असली कारण फिर वो है। आप इस पे छोड़ दीजिए थ्रू व्रू, और फिर माइंड को माइंड के थ्रू कौन देख रहा है? माइंड 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 को माइंड के थ्रू देख रहा है। शब्दों में मत उलझिए, शब्दों में मत उलझिए। जो काम है वो कर डालिए। शब्दों में उलझना बहाना मिल जाता है अच्छा, कि अभी बात स्पष्ट नहीं हुई है, अभी कुछ करेंगे नहीं, पहले पूरी क्लैरिटी दो फिर कुछ होने देंगे। जो बात है बहुत सीधी सी है। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको करने वाले को पकड़ लो। रमण महर्षि यही किया करते थे। अच्छा ठीक है, डर रहे हो, कौन डरता है? रो रहे हो, कौन रो रहा है? चतुर है कोई? सर मन डरता है। अच्छा ठीक है, मन को यहाँ बैठा, उससे ही बात करते हैं फिर। लेके आओ मन को, उससे ही बात कर लेंगे। कहाँ है मन जो डरता है? और है तो उससे जरा परिचय कराओ। और मजा उसमें ये आता था कि जब भी ध्यान से देखा तो यही पाया कि वो है ही नहीं, या यूं कहिए कि वो है ही तब जब ध्यान से देखा नहीं। जहां ध्यान से देखा तो पाया कि वो है ही नहीं। और ये बच्चा हम खुद भी हो सकते हैं? आपके अलावा और कौन है? आप और किस बच्चे को देख रहे हो? सेल्फ इंक्वायरी कहा गया है ना, या पड़ोसी की इंक्वायरी कहा गया है? सेल्फ इंक्वायरी माने किसकी? तो फिर हम भी हो सकते हैं से क्या तात्पर्य है? हम ही हो सकते हैं। आप अपने अलावा किसको देखोगे? अपने अलावा कौन है? दूसरा भी कहां पर परिलक्षित होता है? फिर